Hey guys, what's up? So, hairstyle में वॉल्यूम होने से हेयर काफी अट्रैक्टिव लगता है, जिससे ऑटोमेटिकली फेस भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। इसलिए आजकल आपको इंटरनेट पे ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें लड़के सिखा रहे हैं हेयर में वॉल्यूम लाने के लिए हेयर बैंड का यूज करो या कैप का यूज करो या कोकोनट ऑयल लगाओ वगैरह वगैरह। बट आप ये सब चीज मत करना, वो क्यों आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो परफेक्ट करेक्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने हेयर में वॉल्यूम ला सकते हो। उससे पहले अगर आप लव डक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाता हूँ जो भाई डार्क स्किन या सांवले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सांवले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शाह ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो पहला स्टेप है अपने हेयर को सबसे पहले शैम्पू करना। अगर आप चाहते हो कि आपके हेयर में मैक्सिमम वॉल्यूम आए तो हमेशा हेयर को सेट करने से पहले अपने हेयर को शैम्पू करना, बिकॉज अगर आपके हेयर में ऑयल ना भी लगाओ फिर भी हमारा हेयर नेचुरली सीबम प्रोड्यूस करता है जिससे हमारा स्कैल्प ऑयली हो जाता है, और स्कैल्प ऑयली होने की वजह से हमारे हेयर रूट्स हमारे हेयर को होल्ड नहीं दे पाते जिससे हमारा हेयर वॉल्यूमाइज नहीं लगता। इसलिए हमेशा हेयर को सेट करने से पहले हेयर को एक अच्छे शैम्पू से वॉश कर लेना, SLS एंड पैराबिन फ्री वाले शैम्पू से। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेयर में वॉल्यूम ऐड करने के लिए डेली शैम्पू करो। डेली शैम्पू करने से हेयर ड्राई एंड डैमेज हो जाते हैं, इसलिए वीक में दो बार से ज्यादा शैम्पू एंड कंडीशनर मत करना। दूसरा स्टेप है अपने हेयर को परफेक्टली ब्लो ड्राई करना एक अच्छे हेयर ड्रायर से। बहुत से लड़कों को ये लगता है कि हेयर ड्रायर उनके हेयर को डैमेज कर देंगे, इसलिए बहुत से लड़के अपने हेयर में वॉल्यूम तो चाहते हैं बट वो हेयर ड्रायर यूज नहीं करना चाहते, इसलिए बहुत से लड़के फिर इन सब हैक्स को यूज करते हैं, हेयर बैंड लगाने का या कैप लगाने का या कोकोनट ऑयल लगाने का, इन सब हैक्स को यूज करते हैं। अब नो डाउट इन सब हैक्स से हेयर में वॉल्यूम तो आता है बट फिर 10-15 मिनट बाद वो वॉल्यूम चला भी जाता है और हेयर लाइन को भी खराब कर देता है और लॉन्ग टर्म में हेयर लाइन को पीछे की ओर कर देता है जिससे आपका फोरहेड बड़ा और बल्ट दिखता है। इसलिए अगर आप अपने हेयर में प्रॉपरली वॉल्यूम ऐड करना चाहते हो तो आपको हेयर ड्रायर का यूज करना पड़ेगा। अब नो डाउट हेयर ड्रायर हमारे हेयर को डैमेज करते हैं बट वो तब तक हमारे हेयर को डैमेज नहीं करते हैं जब तक कि आप उसे प्रॉपरली सही तरीके से यूज करो, और वो सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले एक ऐसा हेयर ड्रायर खरीदना जिसमें हॉट एंड कोल्ड सेटिंग हो, मतलब जिस हेयर ड्रायर से ठंडी और गर्म दोनों हवा निकले। और डोंट वरी, ऐसा हेयर ड्रायर का परचेजिंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो ऐसा हेयर ड्रायर लेने के बाद अगर आप डेली हेयर ड्रायर का यूज करना चाहते हो तो कोल्ड सेटिंग में हेयर ड्रायर को यूज करना, नॉर्मल हवा से हमारा हेयर डैमेज नहीं होता। बट अगर आप हॉट सेटिंग में हेयर ड्रायर को यूज करोगे तो वीक में एक बार से ज्यादा मत करना, क्योंकि गर्म हवा हमारे हेयर को डैमेज करती है। सो अभी जो मैंने आपको बताया इसको ध्यान में रखकर अगर आप हेयर ड्रायर का यूज करोगे तो हेयर ड्रायर कभी भी आपके हेयर को डैमेज नहीं करेगी। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि हेयर में वॉल्यूम कैसे ऐड करते हैं। सो हेयर को शैम्पू करने के बाद हेयर को टॉवल ड्राई करना, फिर कोम से अपने हेयर को सेट करना जैसा हेयर स्टाइल आप रखना चाहते हो, फिर जिस साइड से आप अपना हेयर स्टाइल रखते हो उसके ऑपोजिट साइड से हेयर ड्रायर से अपने हेयर को ब्लो ड्राई करना जैसा कि मैं कर रहा हूँ, और हेयर ड्रायर की सेटिंग को हाई स्पीड हॉट सेटिंग पे रखना। हेयर को ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रायर से सुखाने से हेयर में वॉल्यूम आता है, और यही एकलौता ऐसा हैक है जिससे प्रॉपर तरीके से हेयर में वॉल्यूम आता है। सो हेयर को ऑपोजिट डायरेक्शन में हेयर ड्रायर करने के बाद जिस डायरेक्शन में आप अपने हेयर को सेट करते हो उसी डायरेक्शन में हेयर ड्रायर का यूज करके अपने हेयर को सेट करना जैसे मैं कर रहा हूँ, बस हेयर ड्रायर का काम खत्म। इसके बाद आप देखोगे कि आपके हेयर में बहुत वॉल्यूम आ जाएगा जैसा आप मेरे हेयर पे देख पा रहे हो। और एक चीज, अगर आप अपने हेयर में मैक्सिमम वॉल्यूम चाहते हो तो अपने हेयर को ज्यादा लंबा मत रखना, अपने हेयर की लंबाई अपने आईब्रो तक या उससे थोड़ी सी लंबी रखना, अपने नोज तक लंबी मत रखना, नहीं तो हेयर में उतने अच्छे से वॉल्यूम नहीं आएगा। सो अब हेयर ड्रायर करने के बाद आपके हेयर में वॉल्यूम तो आ जाएगा बट उसे होल्ड करने के लिए एक अच्छा सा वैक्स लगा लेना, और जेल वगैरह मत लगाना, वैक्स ही लगाना थोड़ी सी क्वांटिटी में, और वैक्स सिर्फ ऊपर ऊपर से अपने हेयर में लगाना, हेयर के रूट्स में मत लगाना नहीं तो होल्ड खराब हो जाएगा, और वैक्स वीक में एक दो बार से ज्यादा मत लगाना नहीं तो आपका हेयर डैमेज हो जाएगा, और सिलिकॉन एंड पैराबिन फ्री वाला वैक्स लगाना। बस इतना करने के बाद आपका हेयर एकदम सेट हो जाएगा, हेयर में एक वॉल्यूम दिखेगा आपको जैसा कि आप मेरे हेयर पे देख पा रहे हो। और अगर आप चाहते हो आपके हेयर में वॉल्यूम 12-14 आवर्स तक बरकरार रहे तो हेयर वैक्स लगाने के बाद एक हेयर स्प्रे भी लगा लेना, बट हेयर वैक्स को भी डेली यूज मत करना, वीक में एक दो बार से ज्यादा यूज मत करना नहीं तो आपका हेयर डैमेज हो जाएगा। तो यही वो तरीका था अपने हेयर में प्रॉपर तरीके से वॉल्यूम ऐड करने का। जब भी आप अपने हेयर में प्रॉपर तरीके से वॉल्यूम चाहते हो तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शाह ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो जिससे कि हर डार्क स्किन या सांवले लड़कों की मदद हो सके, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं उसे अपना ताकत बनाओ।